भोजपुरी भाषा को ये पैकार सब चौपट कर दिया था। उसके बाद कहा जाएगा कि हम बिहारियों को गाली कह दिया जाता है। हीरो हीरोइन के लिए गाना गाए तो समझ में आता है, ये चुट्टा भाभी के लिए गाएगा, ताली के लिए गाएगा। दिक्कत इस बात से नहीं है कि वो गा रहा है, दिक्कत इस बात से है कि समाज उसे अपने सर पे बैठा रहा है सुपर स्टार कह के। सर भोजपुरिया, देखो भोजपुरी जो भाषा है वो बहुत बेहतर भाषा है, लेकिन भोजपुरी भाषा में कमाने की भीड़ लग गई जब सोशल मीडिया आया तो कमाने के लिए कोई भी गायकार आया गाना गाने से पहले अपने आप को सुपर स्टार दे देता है, नहीं समझेगा, कुछ ना कुछ लिख देता है वहां पे, नमवा के आगे कुछ और जोड़ता है यहाँ पे, जैसे कुछ जोड़ देगा वहां पे, लास्ट में पागल जोड़ देगा, बौरा जोड़ देगा, नहीं समझा गया, जख्मी, रंगीला, इस सब टाइप का कुछ जोड़ेगा यहाँ पे, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, संजीत, सचिन। अब जैसे अगर इसको भोजपुरी का गायकार बनना रहता तो केवल लिखता सचिन तो नहीं होता, सचिन सनकी, तुरंत गायकार बन गया। तुम सचिन लिख के गायकार बन पाओगे भोजपुरी में? नहीं। तुमको क्या जोड़ना पड़े, सचिन सन की, समझ आगे कि नहीं? तुम्हारा नाम हरप्रीत, हरपिक की हरप्रीत, चलो ठीक है, तुम्हारा सिंगल है नाम से फेमस हो जाओगे, थोड़ा सा चेंज कर लो तुम सिंगल है नाम से फेमस हो जाओगे। चलो आगे बढ़ते, भोजपुरी भाषा को ये गायकार सब चौपट कर दिया था, अजीब समाज को बर्बाद कर दिया सब, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। महाराष्ट्र साइड में हम गए थे तो वहां का एक आदमी हमसे बोल रहे थे, आप लोग क्या कल्चर में भाभी का रेस्पेक्ट नहीं होता है क्या? हमको समझ गए कि इसने गाना सुन लिया है भोजपुरी, वहां भोज मतलब भाभी का रिश्ता, पहले के जमाने में ना बीमारियां बहुत फैलती थी, लोग बहुत आकस्मिक मृत्यु हो जाते थे, तो अच्छा पहले के जमाने में ना लोग के बाल बच्चे भी ज्यादा हो जाते थे, तो समाज में ना बहुत बार कि कोई बूढ़ी औरत है मर गई तो उसका जो बड़ा बेटा का तो शादी हो गया है और छोटका भी छोटे है, तो भाभी आके ना उस छोटका को पालती थी, छोटका को पालती थी, तो भाभी माँ जैसे रहती थी। ये चोट्टा भोजपुरी में आया सब दो चार गो इसम, ये आगे बढ़िए नहीं रहा है सब, हीरो हीरोइन के लिए गाना गाए तो समझ में आता है, ये चोट्टा भाभी के लिए गाएगा, ताली के लिए गाएगा। दिक्कत इस बात से नहीं है कि वो गा रहा है, दिक्कत इस बात से है कि समाज उसे अपने सर पे बैठा रहा है सुपर स्टार कह के। उसके बाद कहा जाएगा कि हम बिहारियों को गाली कह दिया जाता है, अरे तुरा अब्बो भी नहीं बुझा रहा है, तुम रिश्तों को बर्बाद कर रहे हो, नहीं गाली ना दे आरती उतारेगा तुम लोग को, बहुत अच्छा सुपर स्टार, इतनी बेहतरीन भोजपुरी भाषा, हम लोग के सारे टीचर भोजपुरी में पढ़ाए और अच्छे से बोलते थे। आज वही टीचर ज्यादातर तो अब रहे नहीं एज होने की वजह से, कुछ बच भी गए तो कभी कभी चर्चा होती तो कहते हैं, हमारे टीचर बोल रहे थे, जंत्र बबुआ पहले तो हमने भोजपुरी बोलो तो नहीं, तो बुझात रहा अपन भाषा, अब भोजपुरी बोलना मैनू ऐसा बुझाता कि यो लफुए हो, गाना ऐसा ना नाच दिया है। हम लोग हिंदी उन्दी तो बाद में मजबूरी में आदमी ये सब बोलने लगा ना, बचपन में जो भाषा है वो भोजपुरी ही है, रहुआ बैठी खाना खैनी, हाँ खाना लिया हो, नहीं भाषा में कोई गड़बड़ नहीं है, भोजपुरी बहुत हमारी, हम तो भैया मातृभाषा है मेरी भोजपुरी, लेकिन जो ये गाने के द्वारा नाश दिया गया उसको खत्म करना। अच्छा इनका मोटिवेशन क्या है, क्या चीज का लेवल है, इनका गाना सुनता कौन है, किसी फाइव स्टार होटल में बैठ के या कोई वीवीआईपी आदमी, कोई सेक्रेटरी लेवल का, कमिश्नर लेवल का, नहीं कोई थक के आया है लोहा पीट के, कोनो लोहा पीट के आया थक के सोया है यहाँ पे, सुन लिया यहाँ पे बजा के, बहुत गड़बड़ चीज है, और सरकार को भी सब पे रोक लगाना चाहिए, यहाँ पे अश्लीलता की हद पार कर गया, हद पार कर दिया, मतलब इतनी बेशर्मी किसी और फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, इसलिए भोजपुरी को इसमें रखबे नहीं किया गया, भोजपुरी को इसमें नहीं रखा गया, आठवीं अनुसूची में भोजपुरी नहीं है।